नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। एम्स जो एम्स है वहाँ एम्स के नियर अबाउट एक नया साइकिल ट्रैक बनाया गया है, जो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है। साइकिल ट्रैक अच्छा बनाया है, लेकिन उस साइकिल ट्रैक में एक बहुत साइकिल ट्रैक में जो छोटे छोटे जो खम्भे टाइप के बने हैं उनका शायद मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल की जो स्कीम है बाइन की स्कीम, एक के साथ एक फ्री, शायद मुझे लग रहा है बनाने वालों ने उस स्कीम का सेवन किया। सेवन करते ही उन्होंने जो साइकिल ट्रैक में जो छोटे छोटे खम्भे हैं उनमें वो बीच में गैप देना होता है वो प्रॉपर भूल गए हैं। वो गैप इतना दे दिया कि साइकिल के जो पैडल होते हैं, जब लोग पैडल चलाते हैं तो वो पैडल खुद ही उन खम्भों से टच होते हैं, जैसे उसमें खम्भों में उनके निशान हैं, लोगों की चोट भी वहाँ पे लगती है। ये इन्होंने इसलिए बनाया कि यहाँ पे कोई बाइक या कोई स्कूटर नहीं जा पाए, लेकिन थोड़ा इतना ध्यान रखना चाहिए बाइक स्कूटर को देखते हुए कि साइकिल जो साइकिलिस्ट है कम से कम वो तो ठीक से वहाँ से जा सके। साइकिलिस्ट वहाँ से जाता है, फिर वहाँ से उतरेगा, फिर नेक्स्ट खम्भा आएगा, तब नेक्स्ट खम्भों की रो पे वहाँ से उतरेगा। मतलब वहाँ पे अगर 20 खम्भों की रो है तो 20 खम्भों की रो पे साइकिलिस्ट को 20 बार वहाँ पे उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखो वीडियो, फिर हम मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, असली दिल्ली की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी एक और आपको नया विकास दिखाने जा रहा हूँ, जिस विकास में ये रोड है, ये सीधा आपका निकलता है बसंत विहार एम्स वाला रोड है। ये मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने जस्ट अभी देखा, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाई जाए इस विकास पे। ये अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाया गया साइकिल ट्रैक है। अब दोस्तों आप ये देख रहे होगे साइकिल ट्रैक किस तरह का है, ये इसके अंदर से साइकिल निकल जाएगी क्या, ये देखो जी, मात्र इतना गैप है इसमें से साइकिल बाहर जाएगी इसके अंदर से। पता नहीं ये क्यों बनाया, किस तरह से बनाया है, आप देख रहे हो तो ये देखो आप, यहाँ पे जो आपको निशान दिख रहे हैं ये लोगों के साइकिल के निशान हैं, ये देखो। ये बनाया क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद ये बाइक रोकने के लिए बनाया होगा, लेकिन अगर बाइक रोकने के लिए बनाया तो इसमें से एक को हटाना चाहिए, क्योंकि साइकिल वाले किस तरह से किसी के पैर में लगेगा या फिर वो उतरेगा, उतरने के बाद फिर वो आराम से क्रॉस करके फिर चढ़ेगा। आप वहाँ तक देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे गैप बहुत कम दिया गया है, उसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो आप, ऐसा कोई ये छोटा सा पिलर है नहीं जिसमें साइकिल के ये स्क्रैच नहीं लगे हों। स्क्रैच का रीज़न यही है कि यहाँ से साइकिल वाले बहुत ही मशक्क़त करके बेचारे निकल पा रहे होंगे। तो केजरीवाल जी, थोड़े जो भी आप प्लान बनाते हो उनको थोड़ा प्रॉपर बनाया करो आप। ये देखो, और किसी पिलर में नहीं है, जो सिर्फ निकलने के और एग्जिट ये पिलर है, इस पिलर में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ साइकिल निकलती ही नहीं है। ये देखो, ये पिलर पूरा साइड से पूरा प्रॉपर ये टूटा है। ये देखो, ये वाला पिलर देखो, ये भी पिलर इसी तरह से है। तो दोस्तों यही हाल है साइकिल ट्रैक के। साइकिल ट्रैक नो डाउट अच्छा है बना, अभी रिसेंटली बनाया है तो अभी अच्छा बना है, लेकिन इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि इस ट्रैक में साइकिल वालों के साथ यही प्रॉब्लम रहेगी कि हर जैसे ही 50 मीटर बाद एक नया ये जो डिवाइडर टाइप का बना रखा है जो खम्भों का, जैसे खम्भे आएंगे तो या तो वो उसके पैर में लगेगी, कुछ ना कुछ होगा, या फिर वो उतार के या वो अपने आप उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा। ये देखो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा बुरे हाल है। ये देखो दोस्तों, ये हाल है यहाँ पे, ये देखो आप, ये खम्भे कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ही जब इस तरह से होता रहेगा तो एक खम्भे टूट जाएंगे। फिर यहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत थी तो इन दो खम्भों तीन खम्भों के बीच में से एक ये खम्भे को हटा देते तो ये ट्रैक स्मूथ रहता। अब यहाँ पे बाइक वालों को रोकना था आपको, तो आप बाइक वालों को सबसे लास्ट में या जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे सेम इस तरह का बना देते तो लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो एंट्री और एग्ज़िट में ही एक बार उतरना पड़ता। अब यहाँ से लेके वहाँ तक और यहाँ से लेके वहाँ तक में हर बार जब भी ये खम्भे आएंगे हर बार उनको उतरना पड़ेगा। दोस्तों ये हाल है यहाँ पे, देख रहे हो हर एक पिलर में टूटा पड़ा है, जो साइड में हर एक पिलर की साइड ऐसी है।
देखो। हर एक पिलर की साइड इसी तरह से टूटी पड़े हैं जो भी इनके पोल हैं। तो जी ये है बनाया गया, मेरे हिसाब से ये ट्रैक ठीक है, ट्रैक अच्छा बनाया ये, लेकिन ट्रैक अच्छा बनने के साथ में जो इन पोलों का डिस्टेंस है ये बहुत कम दिया गया है। या तो इसकी कोई जो भी है माप नहीं की गई हो या जो भी कुछ है, क्योंकि हर पोल एक अलग अलग डिस्टेंस पर लगे हैं। देखो आप यहाँ पे केजरीवाल सरकार द्वारा बनाए गए लोगों के बिना मास्क के बैठे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नमस्कार। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो देखा है, तो वीडियो में आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा ही बना रहा तो आपने बनाया ही क्यों साइकिल ट्रैक? इससे अच्छा साइकिल ट्रैक नहीं बनाते, उसमें करोड़ों रुपए हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने जो उसमें बर्बाद किए हैं, वहाँ का जो टैक्स पेयर का पैसा है। वैसे भी 3 साल कोविड में लोगों ने किस तरह से टैक्स दिया, जो भी दिया उसको आप शायद नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आप तो करोड़ों के स्कीम को आप पास कर देते हो, ठीक है जी, उसमें आपका तो कुछ नहीं, आपको एक साइन करने होते, लेकिन टैक्स पेयर बड़ी मेहनत से आपको पैसा देता है। तो अरविंद केजरीवाल जी, आगे से आप जो भी साइकिल ट्रैक बनाएं, कृपया करके मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो साइकिल ट्रैक में जो छोटे छोटे खम्भे हैं उनमें थोड़ा सा गैप रखें, जिससे साइकिलिस्ट वहाँ से प्रॉपर जा सकें। और आपने अगर गैप नहीं रखना, आपने इतना ही रखना है, तो मेरी आपसे गुजारिश है तो आप इसको मत बनाओ, क्योंकि इससे साइकिलिस्ट को भी प्रॉब्लम होती है और इससे हमारा दिल्ली, जो हमारी दिल्ली की जो जनता है उसके भी पैसे यहाँ बर्बाद होते हैं। तो उसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल का आप साथ दें, और हमारे जो भी वीडियो आप उनको लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।